दोनों हाँ, ये देखिए प्रेम भैया जर्सी ले रहे हैं दोनों के ड्रेस अप होकर लाइन अप हो जाए देखिए ना देख लो एक्सेल है एक्सेल है ले लो। हाय अंकुर भैया हाय। तो यहाँ पे हम लोग एक मैच खेलने आए थे अभी सुल्तानगंज और हम लोग मैच जीत गए आज, इसमें कि मेरा स्कोर आज रहा 94 रन 27 बॉल और पंजा लिए 5 विकेट। तो ब्लॉग अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिट्टू मैक्सी क्रिकेट ब्लॉग। तो दोस्तों अभी मेरा मैच है मौजमपुर में सेमीफाइनल मैच, फाइनल मैच है तो जीत चुके थे तो फाइनल मैच है और अभी हम लोग सुल्तानगंज में ही थे तो अभी इधर से ही निकलने का प्लान है मेरा। तो अभी हम लोग सुल्तानगंज जा रहे हैं फिर वहां से निकलेंगे डायरेक्ट मौजमपुर के लिए। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी सुल्तानगंज में हूँ और अभी मैं यहीं पे नाश्ता कर रहा था और आपको मैं मिलाता हूँ। मेरे साथ है देखिए मुंगेर के स्टार शेखू भैया और यहाँ पे है अंकुर दा गुलशन भैया और एक और है भाई जो कि आज हम लोग अभी क्रिकेट खेलने गए थे तो हम लोग जीत गए। कौन सा मैच था? क्वार्टर फाइनल कुमारपुर सुल्तानगंज में मेरा मैच था तो अभी हम लोग जीत चुके हैं और मैं निकलूंगा मौजमपुर के लिए और ये सब अभी चले मुंगेर अपने घर चले। और भैया बताइए मेरे भाई को थैंक यू भैया और थोड़ा सब्सक्राइबर के बारे में बोल दीजिए कुछ प्लीज रिक्वेस्ट है भाई लोग से कि मेरे भाई के लिए सब्सक्राइबर और लाइक करते रहे। थैंक यू भैया। तो अभी ये लोग निकल रहे हैं घर और मैं निकलूंगा मौजमपुर के लिए। अभी मेरे साथ मेरा भाई लोग आ रहा है तो उसके बाइक से मैं निकलूंगा। Love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wait! गाइज मैं ग्राउंड आ चुका हूँ और मैंने आपको बताया था ना कि मेरा एक फ़ैन है जो कि 24 किलोमीटर दूर साइकिल चला के आता है तो आप देख सकते हैं यही है। हाय करो। हाय। तो ये देखिए साइकिल लेके भी आया है। अभी से मेरा मैच 1.5 घंटा पहले से आ गया देखने के लिए। 1.5 घंटा पहले से आके बैठा हुआ था वो भी साइकिल से 14 किलोमीटर दूर। थैंक यू यार तुम इतना प्यार देते हो। और गाइज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं ग्राउंड आ चुका हूँ। देखिए प्रेम भैया जर्सी ले रहे हैं दोनों के ड्रेस अप होकर लाइन अप हो जाए देखिए ना देख लो एक्सेल है ले लो। गाइस मैं अभी ग्राउंड में आ चुका हूं और हम लोग को अभी अभी जर्सी मिला है तो सभी जर्सी में मेरे जितने प्लेयर हैं आपको मैं दिखाता हूं और हमारे धोनी कैसे भैया और इससे फाइनल में मुकाबला हो रहा है और देखिए पूरा यूनिफॉर्म में आज के अंपायर धन्यवाद भैया। और इनको कौन कौन जानता है राजा खान फिर से स्वागत है आप सबका जैसा कि आप प्रत्येक मैच में देखते तमाम आदमियों के साथ हम लोग राष्ट्रीय को ज्वाइन करेंगे। एक छोटा सा परिचय ये हम लोग का टीम है आज का मैं आपको मिलाऊंगा कैप्टन है वहां पे चल रहा है इससे कैप्टन और एंटी टीम भी आ चुका है ग्राउंड का और यही ग्राउंड है मौजमपुर तारापुर प्रधान में फाइनल मुकाबला चल रहा है फाइनल लड़ाई चल रही है आपको मैं दिखाता हूँ अच्छा तो ये छोटा सा परिचय होगा उसके बाद आप जिस चीज के लिए यहाँ पर आए हैं एक बड़ा मुकाबला फाइनल का मुकाबला क्वालिटी टीम में दोनों ही टीम अपना सफर जीतते हुए यहाँ तक पहुँची है। आप जानते हैं एक से बढ़कर एक बंगाल के साथ और मन्ना भैया तमाम लोगों को इंटरटेन के लिए करने के लिए ये हमारी टीम है और यहाँ पे मिली है आकाश भैया तो आज के अंपायर आकाश भैया खेलना वेल प्लेड थैंक यू भैया।
और भी मैं मिलाता हूँ यहाँ पे कमिटी के सदस्य, तो छोटे छोटे बच्चे साहब जो कि में मिले थे सेमीफाइनल में। ऑफर रखे हैं हाँ, 6 बॉल में 6 छक्का मारने पे आपको 1000 मिलेगा। 1000 आप दीजिएगा ना, पक्का ना? ठीक है, पूरा वीडियो बनेगा और आप लोग देखिएगा, अगर नहीं देंगे तो इनको पकड़ के लाएंगे। और टॉस हो रहा है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि टॉस कौन सा टीम जीतता है। मैं करना चाहूंगा, आप टॉस जीत के क्या करना चाहेंगे? पहले बल्लेबाजी करना चाहूंगा। क्यों, आप कितना एक रन देना चाहेंगे टीम में उनको? तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि टॉस हम लोग की टीम ने जीत लिया है और हमारे कैप्टन ने बताया कि आज 300 रन लगेंगे। तो आप बताइए पंचमदा, आज का क्या रन रहेगा? टारगेट तो मैच के बाद ही पता चलेगा। आप ये बताएं, अगर आप टॉस जीतते तो आप क्या करेंगे? खेलेंगे अच्छा ही, निर्णय लेंगे। बिल्कुल दम से क्रिकेट खेलेंगे, पहले तो हम लोग का बल्लेबाजी है। जोर से मारने का प्रयास था लेकिन बैट और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, पैर पर आकर गेंद लगी थी। हल्की सी अपील, उत्साह ज्यादा, विश्वास कम, गेंद वापस कराई, दिशा से चल रहे हैं कभी उत्तर की दिशा से। इसी बीच अपने गेंद को उतनी ऊपर, कोई रन नहीं, रन अभी भी रुके 36 पर। 3 विकेट का पतन हो चुका है जबकि पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है। दो अनुभवी गेंदबाज सुबोध और साजन की जोड़ी, साजन अपने स्टेल का दूसरा ओवर लेकर के गेंदबाजी कर रहे हैं। 4 गेंदें हो चुकी हैं। इस गेंद को पूर्ण कर दिया पिट्टो मैक्सी ने अपने चरपल्टी अंदाज में, गेंद को 6 छक्का लगाते हैं। क्या खूबसूरत बल्लेबाज है ये, काफी टाइम रहता है इनके पास ऐसे पटकी हुई गेंदों का और इंतजार कर रहे थे इस गेंद को। रन संख्या पहुंच चुकी है 42 पर। ये गेंद अच्छी गेंद और सम्मान दिया साजन की गेंद पर पिट्टू मैक्सी ने, जानते हैं ये जितने भी जा चुकी हैं एक अच्छा खेल लेके जाना होगा, एक साझेदारी बनानी होगी और इस टूर्नामेंट में बेहतरीन 16 साझेदारियां बनाई हैं इस टीम ने। 40 बल्लेबाज पिट्टू मैक्सी आ चुके हैं स्ट्राइक पर। पिट्टू मैक्सी ने अपने पहले ही मैच में लगातार 7 छक्के लगाए थे, तो आप समझ सकते हैं किस खतरनाक फॉर्म में है पिट्टू मैक्सी। ये शानदार छक्का एक बार फिर से मैक्सी का बल्ला, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी पिट्टू मैक्सी की। पिट्टू मैक्सी बल्लेबाजी में एक काफिलाना फॉर्म जारी करते हुए, फतवा जारी करते हुए तमाम गेंदबाजों के लिए। सुबोध अच्छा कार्य करते हुए अगली गेंद लेकर फिर से इस गेंद को सामने की ओर मारी, खूबसूरत स्ट्रोक, 10 रन स्ट्रोक गेंद से मार करके यहां जा रही है और पार भी सारे की प्रतीक्षा हो गई। दूसरा रन, 4 रन हो गया, तो 4 रनों का इशारा आते हुए खूबसूरत स्ट्रोक था और रूम बनाया था पीछे हटते हुए।
विकेट की गेंद को स्विंग कर दिया था। खूबसूरत बल्लेबाज से विक्टर मैक्सी की जारी है। विक्टर मैक्सी 7 गेंदों पर 20 रन बनाकर खेल रहे हैं। 2 छक्के और 2 चौके लगा चुके हैं अपनी पारी में। 285 का स्ट्राइक रेट करके फिर से तैयार हो गए। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी विक्टर मैक्सी की। 8 गेंदों पर 26 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो इस तरह से ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यहाँ पर वाइट इशारा आता हुआ अब मारा धोनी का। एक ऐसा नाम धोनी जो चेहरे पे मुस्कान लाता है और भुजाओं में ताकत भरता है। ये धोनी यहाँ पर थोड़ी सी लेंथ खींची, हाथ को खींच लिया था गेंदबाजी करते समय, जिस करते गेंदबाज से दिल निकलता है। विक्टर मैक्सी स्टांस गजब है। बल्लेबाजी अब निराला बताना भूल गया कि हम लोग ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग किया था और हम लोग बैटिंग करते हुए टोटल 15 ओवर में 212 रन लगाए। अगले टीम को जीत के लिए चाहिए था 213 रन। तो हम लोग की आज भी हम लोग का फील्डिंग बहुत खराब हुआ। हम लोग ये मैच हार गए लेकिन हम लोग का फील्डिंग खराब होने के कारण हम लोग ये मैच हारे हैं। और 212 रन ज़्यादा स्कोर नहीं बना। हम लोग के बैट्समैन भी कोई मारा नहीं। सबसे ज़्यादा मारे खोखंदा जो कि 140 प्लस मारे थे और मैंने 30 रन ही लगाया था। 29 या 30 रन मेरा था। तो सेकंड हाईएस्ट मेरा था, फर्स्ट उनका था। और भी चटनी भैया, ब्रज भैया, ये सब कोई कुछ कर नहीं पाए। तो हम लोग ये मैच हार गए। आप देख सकते हैं वहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अभी वहाँ पे बुलाया जा रहा है तो मैं चला वहाँ पे। प्राइज आप देख सकते हैं अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूटन हो रहा है और हमारे साथ है कमेंटेटर प्रशांत। आज वैसे फाइनल तो मैक्सी की टीम हार गई लेकिन मैक्सी ने अच्छा शुरुआत दिलाया था, मोमेंटम को शिफ्ट किया था, उसी के बदौलत खोखन उतना रन मार पाए। कहीं ना कहीं साझेदारी में विक्टर मैक्सी का बहुत बड़ा हाथ है और अच्छा बेहतरीन एफर्ट भी लगाया था। एक कैच पकड़ा जब कैच सारे टीम छोड़ रहे थे उस समय इन्होंने कैच पकड़ा। सबसे पहला कैच मैंने ही पकड़ा था बिल्कुल। और मैं बारीकी से नजर रख रहा था, पूरे टूर्नामेंट को कवर किया और विक्टर मैक्सी ने लगातार अच्छा कार्य करके दिया। एक खिलाड़ी कोई मैच जिताना और हारना तो नहीं है, तो टीम एफर्ट के कारण से ये मैच हारे निश्चित तौर पर। लेकिन विक्टर मैक्सी का एफर्ट लाजवाब था, हमेशा की तरह 100% देते और मैं कहूँगा 110% देते हैं हमेशा से। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं कहना चाहूँगा तमाम दर्शकों से कि विक्टर मैक्सी को इसी तरह से जितना ज़्यादा हो सके आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए और तमाम ऐसे अपने दोस्तों के साथ इनको जितना से अधिक शेयर कीजिए। ये हमारे क्षेत्र के उभरते हुए सितारे हैं विक्टर मैक्सी। और आपने देखा होगा मेरी कमेंट्री में लगातार मैं इनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ इनके स्ट्रोक का। आज भी बहुत अच्छा बैटिंग किया। मैच चाहे कोई भी जीते, विक्टर मैक्सी हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत इंटरटेन कर रहे हैं तमाम दर्शकों। थैंक यू सो मच, आप कमेंट्री बहुत अच्छा किए। जब मैंने बैटिंग किया तो फिर बहुत अच्छा कमेंट्री कर रहे थे मेरे लिए, तो इसके लिए। आप देख सकते हैं रनर ट्रॉफी उठ गया है, रनर ट्रॉफी इधर देखिए, चेक भी
और चेक भी है, 20,000 का चेक है तो पार्टी चलेगा भाई। रनर ट्रॉफी है और हमारे फाइनेंसर नेहरू जी की गलती के कारण हम लोग मैच हार गए, कैच छोड़ दिया नेहरू जी। तो गाइस हम लोग तो ये मैच हार गए और आपने देखा अभी मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज मिला। और धोनी भैया हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कैसे मैच हार गए, आप ही बताइए धोनी भैया मैच कैसे हारे ना, आपका कैप्टन कैच छोड़ दिया इसी कारण से आप मैच हार गए। कैप्टन मेरा कैच छोड़ दिया, 212 रन कम नहीं होता है क्या, क्योंकि 170 रन जब एक ओवर में लास्ट ओवर में बच रहा था 20 रन जीतने के लिए तब जीता था वो टीम, तो फिर अभी तो 212 था तो काफी था, बहुत ज्यादा था, रन तो काफी था। लेकिन एक चीज है धोनी भैया, टूर्नामेंट बहुत अच्छा खुला है यहाँ पे, ठीक है, और अमित भैया से भी हम बात करेंगे, टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा आपका, तो इसी तरह फिर से अगले साल करवाइए टूर्नामेंट और हम लोग फिर से अगले साल चैंपियन होने का कोशिश करेंगे और आएंगे अगले साल। तो अब मैं आप सभी को मिलाता हूँ जो टूर्नामेंट के कार्यकर्ता थे जो पूरा टूर्नामेंट को बहुत अच्छा करवाए, तो ये है अमित भैया। तो ये अमित भैया बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवाए यहाँ पे मौजमपुर पे, बहुत अच्छा टूर्नामेंट लगा क्योंकि बिहार में यहाँ पे मौजमपुर में सबसे बेस्ट टूर्नामेंट था और एक सुरेंद्र आईटीआई में खुला था, तो यहाँ भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट लगा। अमित भैया दो सब बताइए, टूर्नामेंट तभी अच्छा होता है जब अच्छे अच्छे खिलाड़ी आते हैं, तुम जैसे अप्पू सरकार, खोखन, इस ऐसा ऐसा खिलाड़ी आएगा तभी टूर्नामेंट सक्सेस हुआ। और हमें अच्छा लगा कि मेरा पहला साल था और इतना अच्छा टूर्नामेंट खास करके, लेकिन तुम्हारा शतक देखना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो चल पाए, चलो कोई नहीं, मेरा गुड विशेस तुम्हारे साथ है। थैंक यू भैया, और जैसा कि अमित भैया बताएं तो टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा और मेरे से सेंचुरी का उम्मीद था लेकिन मैंने लगा नहीं पाया। और ये छोटे मोटे बच्चे हाय करो, ये पहले ब्लॉग में भी थे यहाँ पे सेमीफाइनल में, और ये सब देख सकते हैं मेरे फैंस हैं टोटल छोटे छोटे बच्चे। तो गाइस इसी के साथ मौजमपुर का टूर्नामेंट खत्म हो गया और अब मैं भी निकलता हूँ घर, तो आपको मिलूंगा फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें और इसी तरह प्यार देते रहे। जी माम बिंग बिंग बो तंग सस्ते न से तार चिपक गई छाती से।